हम चलते हैं बाहर। काफी बड़ी फ्लाइट थी तो लोगों को निकलने में भी काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। मेरे अबाया की तारीफ कर दी वो कैबिन के लिए। आई लाइक योर अबाया। अच्छा हम आ गए, अभी हम जा रहे हैं अपने बैग्स लेने या फिर जो भी इमिग्रेशन होता है। तो अभी हम आ गए हैं जद्दा में। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें ट्रेन लेना था तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी देखिए ट्रेन आएगी। यहाँ से अभी हम अपना सामान लेंगे। सनी कैसा लग रहा है? आप आ चुके हो पहले जद्दा? दसवीं बार मिल चुका हूँ यहाँ। तो अभी सब कुछ हो गया है, सिर्फ अभी हमारा सामान आ रहा है। फिर हम कहाँ जाएंगे? मदीना शरीफ। तो हम पहले जा रहे हैं मदीना शरीफ, उसके बाद जाएंगे हम मक्का। हमारे बैग, एक बच्चा। राजा भाई मेरे बैग कहाँ? जो अपना जो ट्रैवल कार्ड है वो ट्राई कर रहे हैं चलता है कि नहीं। चल गया मछली वो सामने। ये वाह, अरे वाह, एक सेकंड। ये किसका सरप्राइज था? तुम्हारे लिए मैम भाई से। तुम्हारी किस्मत पीछे ही है हमेशा। अभी इस वक्त हम है जद्दा में और ये है इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, जिसका नाम है चेन्नई दरबार। तो ये लोगों ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है तो हमने कहा चलिए लंच यहीं पे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सनी के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सब लोग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सबका दिल से शुक्रिया। और मेन्यू में ना फ्रेंड्स सारी इंडियन चीज़ें थी, तो हमने अम्मा के लिए मंगाई थी वेज थाली और हम लोगों ने मंगाया था बटर चिकन और हैदराबादी बिरयानी जो कि बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने खाना खा लिया है जिद्दा में चेन्नई दरबार। चेन्नई दरबार में ये कौन सा? अजीजिया। अजीजिया में खाना बहुत अच्छा था। सऊदी का सेवन अप डाइट वाला। डाइट वाला ठीक मामू। लवन लवन दिखाओ। ये लवन। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो हमने मगरिब की नमाज पढ़ ली है, अब हम लोग जा रहे हैं कॉफी पीने। फैजान मदीना हाईवे में 150 किलोमीटर बाकी है मदीना। अभी उससे एक कॉफी लेंगे उसके बाद फिर चले जाएंगे। जाते जाते एक बार प्यारी सी कॉफी। कौन सी? डंकन। बुरे फुल मजे ले रही हो सऊदी? आपके यहाँ पे आई हूँ मतलब आप आपके यहाँ पे क्या हमारे अब्बा का है क्या? देखो यहाँ से खजूर चालू। फ्रेंड्स हम लोग अपना
अपने होटल जो है पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं कि रूम्स कैसे हैं। ये दोनों ने बेचारों ने बहुत हेल्प करी, इतनी दूर से हमें लेने आए, फिर हमें मदीना तक छोड़ने आए, और उसके बाद फिर वापस ये लोग तैफ जाएंगे। डब्बा तो है नहीं, तो हम लोग को ऊपर का बस बता दो कैसे उन लोग। नल का तो मैंने बता दिया था, सीधे खोलो ये ऊपर का। हाँ ठीक है, बस ठीक है, जिसे नहा होटल में सामान रख के खाना ऑर्डर करके हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हमें सिम लेनी थी, सिम के बिना कुछ नहीं चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली मदीना पहुंच गए, होटल में हमने चेक इन कर लिया है और खाने का बाहर से जाके सिम भी ले आए हैं। मोबाइल कौन सी मोबाइल लेके आए, वो एक सिम कितने की मिली? 105 रुपए। हाँ, तो उसमें हमें 20 GB मिला है और 200 मिनट्स मिले हैं लोकल में। तो वो सारी चीजें हमने अभी कर ली है, पैदल गए थे और बस पता इतना थकावट आ गई थी, लेकिन यहाँ पे अजीब सी एनर्जी आ गई है, बस ये लग रहा है की अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हम लोग वो भी होके भी आ गए। बहुत रौनक है इस जगह पे, बहुत ही अलग ही वाइब है, अलग ही फील है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पूरे नहीं देखा लेकिन दूर इंशाल्लाह कल सुबह होके नहा जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए हैं, सिर्फ खाना खाना है। तो वाले होटल ना सिर्फ हम एक ही दिन के लिए रुके, क्योंकि हमें पहले जिसमें चाहिए था उसमें नई जगह मिल रही थी, हमें एंड मोमेंट पे आपको पता ही है कई सारी चीजें कराई है, तो हम इसका भी आपको टूर देंगे और बताएंगे। और अभी चलते हैं पापा के रूम में, फिर अभी खाना आने वाला है, खाना खाएंगे। खाने में ये था फ्रेंड्स, ये लोग लेके आए थे, इसे कहते हैं शवाया आई थिंक, ऐसे ही बोल रहे थे वो, और इसमें चटनी भी डालते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है, और यहाँ का बहुत फेमस ब्रांड है रोमांसिया, वहां से लेके आए थे। तो बस हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो ज्यादा व्लॉग नहीं किया, सबने खाना खाया। फ्रेंड्स हम सोचा जल्दी आपको अपना रूम बता देते हैं। एंटर करते साथ फ्रेंड्स यहाँ पे वो कवर्ड है, ये सारी चीजें है, आयरन वाला टेबल, ये सब। इसके बाद ये सबसे अच्छा वाला सेक्शन जो हम सबको पसंद आता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, लोग लेके भी चले जाते हैं। यहाँ क्या है, फ्रिज है, यहाँ पे मिरर है बड़ा सा खुद को देखने के लिए, ये है वॉशरूम, ये नहाने वाला सेक्शन, ये दूसरा वाला सेक्शन, ये सारी चीजें हमको दी गई है। ये हमारा रूम है, ये बेड है, उसके बाद ये सारी चीजें जो हर जगह हर होटल में होती है, सोफे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये शायद सऊदी में होता है ऐसा स्टाइल, नीचे जो ये कारपेट बिछा रहता है ना पूरे में, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये कर्टन्स है, और ये बाहर का है, अभी रात में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाऊंगी। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक ही रात के लिए हैं, कल हम दूसरे होटल में जाएंगे। और बस ये टीवी है। कितना रेंट है यहाँ पे पर डे का? पर नाइट 750। रेड हो गया देखो फ्रेंड्स, चल चल के मेरे पैरों में आज कट हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? बस मैं सो के उठ गया हूँ, सब अभी सो के उठ गई है, मम्मी पापा को नाश्ता ले आया हूँ, और बस सबक लिए चाय बना रहा हूँ, नहाएंगे उसके बाद हम जाएंगे, हमें होटल चेकआउट करना है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जोहर के बाद, मदीना में इंशाल्लाह मिलते हैं। मस्जिद नबवी में।